आसिम वकार साहब, सवाल ये उठता है जहन में, फ्रांस में जो घटना हुई और उसके बाद हिंदुस्तान में जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से भावनाओं को सुलगाया जा रहा है, कोई भी देश कानून से चलेगा, वहां की सामाजिक संरचना के हिसाब से चलेगा या लोगों की भावनाओं के हिसाब से चलेगा? देखिए, मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं पढ़कर कि जो घटिया दुश्मन होता है, जलील दुश्मन होता है, उसकी पहली पहचान ये होती कि जब वो आपसे जमीन पर मुकाबला नहीं कर पाता है तो वो आपके मजहब पे हमले करने लगता है। ये पहचान होती है घटिया दुश्मन। मैं किसी भी तरह से किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसी तरह से ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे प्यारे नबी फकरे कोनैन सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं कभी किसी मजहब का ना तो मैं कभी किसी को बुरा कहता हूं, ना मैं किसी मजहब की बेइज्जती करता हूं, ना मैं किसी आसिम साहब, देवी देवता की बेइज्जती करता बर्दाश्त हूं, मैं नहीं सबकी इज्जत करेंगे करता तो हूं। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई भी शख्स ये कह रहा है, मैं सम्मान करती हूँ कि ठीक है, हर व्यक्ति अपने आस्था अपने विश्वास के प्रति, हर व्यक्ति के मन में एक सम्मान होता है और कोई उसे समझौता नहीं बात करना सुनिए चाहता, मोदा लेकिन जब मैडम हम ये मैडम दो कहते लाइनें हैं, सुन लीजिए। सुनिए आसिम साहब, जब हम ये कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या हम किसी की गर्दन पर चाकू चला देंगे? क्या हम किसी को दो हम लाइनें ट्रक से सुन लीजिए, कुचल देंगे? क्या हम चर्च में घुसकर दो चाकू मार लाइनें सुन देंगे? लीजिए, आप बहुत बताइए। काबिल हैं, सुनिए दो लाइनें सुनिए मेरी भी। अब ये कोई फ्रांस ने पहली बार नहीं किया है, ना फ्रांस ने दूसरी बार किया, फ्रांस इससे पहले भी कई बार कर चुका है। फ्रांस का रिकॉर्ड है, सन 1895 से सन 1901 के बीच में कई बार इन्होंने कोशिश की थी। फ्रांस में थिएटर बनाया गया था जिसमें रसूल अल्लाह का बेहुर्मती करने के लिए उसमें उन्होंने चेहरे बनाकर दिखाने की कोशिश की थी। ये मैं आपको बता रहा हूं 1895 की। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस वक्त एतराज किया था, फ्रांस के खिलाफ यकजहती और एकजुट हुए थे। ये हमारे पैगंबर का मामला है, हम मोहब्बत करते हैं उनसे। अगर आपको इतनी जबान की आजादी चाहिए तो खाली जबान की आजादी इस्लाम में और मोहम्मद साहब के खिलाफ क्यों है? ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ क्यों नहीं? आसिम साहब, तो फिर लॉर्ड के खिलाफ क्यों नहीं? फ्रांस में मुसलमान क्यों नहीं मूसा उतरे अलैहि हैं सलाम सड़कों के पर? खिलाफ क्यों नहीं है? फ्रांस में मुसलमान इब्राहिम क्यों नहीं अलैहि कर रहे सलाम हैं के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट? नहीं है? फ्रांस में मैं मुसलमान आपसे कह रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो जो हिंदुस्तान में हमने भोपाल की सड़कों पर देख लिया, वहां क्यों नहीं हो रहा है ये? देखिए, हो सकता है कि जो हिंदुस्तान के बाकी दुनिया के मुसलमान हैं उनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता हो फ्रांस वालों के ना हो। ये सवाल फ्रांस वालों से पूछिए, जिनके पैगंबर इस्लाम आकाए इस्लाम है वो विरोध करेंगे। एक देखिए, मुझे छोटी सी लगता बात है बताऊं आसिम साहब, मुझे आप लगता है कि सुनिए थोड़ा सा बड़ी तस्वीर की तरफ भी हमें रुख करना चाहिए। सुबुई खान आई आप चर्चा में, सुनिए जिस बात का जिक्र देखिए यहाँ पर जी, आसिम एक साहब बात कर रहे हैं, बताइए, सुबुई खान, नहीं बड़ी बात वो एक ये बात कह मुझे रहे हैं बताइए कि आप। फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है वो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्रांस में जिस सुनिए तरह की व्यवस्था है, वहां पर जो रूल चलता है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दे, 10 में से 1 व्यक्ति तो वहां इमिग्रेंट है, और वहां का जो सेक्युलरिज्म है वो साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि पब्लिक लाइफ में आप किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक चिन्ह या फिर कोई भी धार्मिक पहचान जाहिर नहीं कर सकते, अनलेस कि वो वहां के कैथोलिज्म से जुड़ा हुआ ना हो। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग वहां मौजूद हैं वो उस व्यवस्था से वाकिफ हैं, वो उस व्यवस्था को स्वीकार करने के बाद ही वहां मौजूद हैं। तो फिर आज जो ये सवाल पैनल पर ही मौजूद लोग उठा रहे हैं, उनके क्या मतलब है? सुबुई खान, हमारा सारा टाइम तो आप लिए ले रही हैं, बताइए सुबुई जी, हमें बोलने दे रही हैं आप। हो गया, मैं अब आपसे सुन लीजिए। जी जी मोदी जी के आसिम खिलाफ, साहब प्लीज, मेरे पास मैंने मोदी बाकी जी पैनल में के दो बार पास सुनी है, पास में जा नहीं पा रही, मैंने पूरे डिबेट शांति से सुनी है। बोलिए आसिम साहब, ऐसे ही उछलेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि जब सुबुई खान बोलेगी तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी तो ये सारे लाइन से उछलेंगे क्योंकि सुबुई खान बोलेगी तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ नेशनल मीडिया पे कि हम इतना डिफेंसिव मोड में क्यों आते हैं? राइट टू प्राइवेट डिफेंस ना ही सिर्फ एक ह्यूमन राइट है बल्कि एक लीगल राइट भी है। जब फ्रांस में बार बार गर्दनें कट रही हैं, आतंक के नाम पे मारा जा रहा है पूरी कम्युनिटी को, पूरे देश का नाश किया जा रहा है, तो वो स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेंगे या नहीं लेंगे?